हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप फ्रेंड्स। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट एंड मैसेज थे कि मैं आपको वर्डप्रेस की लॉटरी थीम के बारे में बताऊं, क्योंकि आपने सर्च किया होगा तो आपको लॉटरी के लिए कोई अच्छा थीम पर्टिकुलरली नहीं मिला होगा। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी थीम के बारे में बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप लॉटरी वेबसाइट बहुत ईजी तरीके से बना सकते हो। एंड लॉटरी सिस्टम क्रिएट करने के लिए आप वर्डप्रेस पे किन प्लगइन्स का यूज़ कर सकते हो, उसके लिए मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बनाई हुई है, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप वर्डप्रेस पे लॉटरी वेबसाइट बनाने के लिए कोई प्लगइन सर्च कर रहे हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपने सर्वर के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे चलेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशंस वगैरह है मैं इनको हाइड कर देता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद फ्रेंड्स, हमें लॉटरी थीम को इंस्टॉल करना है। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ अपीयरेंस में जाना है, थीम्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपलोड थीम पे क्लिक करना है। अपलोड थीम पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे थीम फाइल को चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें लॉटरी थीम को डाउनलोड करना है। तो लॉटरी थीम को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है मकाज, MAKAZ। फ्रेंड्स, मकाज सर्च करने पे आपको जो फर्स्ट लिंक शो होगा makaz.in, उसको आपको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे आ सकते हो। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट पे आपको वर्डप्रेस के बहुत सारे प्रीमियम प्लगइन्स एंड थीम बहुत ही कम रेट पे मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एलिमेंटर प्रो सिर्फ आपको 99 रुपीज में मिल रहा है। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत सारे थीम्स शो हो रहे हैं जिनका प्राइस सिर्फ 199 रुपीज है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने थीम को डाउनलोड करते हैं। तो थीम डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है POMANA। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये गिव अवे वर्डप्रेस थीम लॉटरी हमें सर्च रिजल्ट में आ गया है और यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक करा है। तो लॉटरी एंड वर्डप्रेस थीम, ये आप देख सकते हो, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। इसका प्राइस 199 रुपीज है। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और इसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इस थीम को इंस्टॉल करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये थीम फाइल है जिसे मैंने डाउनलोड किया है। आपको सबसे पहले इस थीम फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर फ्रेंड्स, आपको ये चार फोल्डर्स होंगे, डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग, प्लगइन्स एंड थीम्स। आपको इस थीम फोल्डर को ओपन करना है। इसके अंदर आपको दो जिप फाइल्स होंगे, एक जो मेन थीम फाइल है और एक चाइल्ड थीम फाइल है। अगर आप फ्रेंड्स इस थीम के सोर्स कोड में कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हो तो इस चाइल्ड थीम का यूज करके भी आप कर सकते हो। अभी के लिए मैं सिंपल ये मेन थीम को इंस्टॉल करता हूँ। तो थीम को इंस्टॉल करने के लिए फ्रेंड्स, हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो हमने फाइल एक्सट्रैक्ट किया था उसको ओपन करेंगे, थीम फोल्डर को ओपन करेंगे और ये जो थीम फाइल है उसको हम चूज करेंगे एंड ओपन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, ये थीम जो है इंस्टॉल हो गई है। अब हम इसे एक्टिवेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, थीम एक्टिवेट होने के बाद आपको ये कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए कहेगा। आपको सिंपली यहाँ पे बिगेन इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये सारे प्लगइन्स को आपको इंस्टॉल कर लेना है जो इस थीम के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैं सभी को सेलेक्ट करूंगा और बल एक्शन पे जाके इंस्टॉल पे सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको इन सभी प्लगइन्स को एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करूंगा और इन सभी प्लगइन को सिलेक्ट करके एक्टिवेट पे सिलेक्ट करूंगा एंड अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे प्लगइन्स जो है इंस्टॉल हो गए हैं और इसमें लॉटरी प्लगइन है और वूकॉमर्स लॉटरी प्रोग्रेस फॉर प्लगइन सारे यहाँ पे इंस्टॉल हो गए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें कुछ नोटिफिकेशंस मिले हैं। वूकॉमर्स लॉटरी रिकमेंड दैट यू सेट अ क्रॉन जॉब टू चेक फिनिश लॉटरीज। तो लॉटरी को कंप्लीट होने के लिए फ्रेंड्स, आपको ये क्रॉन जॉब सेट करने के लिए कह रहा है।
तो ये सिंपल है फ्रेंड्स, आपको अपने होस्टिंग को ओपन करना है और होस्टिंग में 1 मिनट का क्रॉन जॉब सेट करके इस लिंक को वहां पे पेस्ट कर देना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स मेरे पास होस्टिंगर की होस्टिंग है, तो मेरे पास एच पैनल है। अगर आप किसी दूसरे होस्टिंग का यूज कर रहे हो तो आपके पास सी पैनल हो सकता है, कोई दूसरा डैशबोर्ड हो सकता है। आपको सभी डैशबोर्ड पे क्रॉन जॉब की सेटिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास होस्टिंगर का है, तो यहाँ पे मैं आपको क्रॉन जॉब की सेटिंग करके दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपल यहाँ पे सर्च करना है क्रॉन, अगर आपके पास होस्टिंगर है, या फिर आपके पास सी पैनल भी है तो वहां पे भी आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे भी आप सर्च कर सकते हो क्रॉन, तो वहां पे भी आपको ये क्रॉन जॉब सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया क्रॉन, तो यहाँ पे क्रॉन जॉब्स का एक ऑप्शन आ गया है, तो इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्रॉन जॉब की जो कमांड है वो रन करनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वेबसाइट पे आप देख सकते हो, ये हमें बता रहा है हमें क्या क्रॉन जॉब सेट करना है, इसको सेट करना है। तो सिंपली मुझे ये कॉपी कर लेना है और ये जो क्रॉन जॉब कमांड है यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट कर देना है। और वो मुझे कब चाहिए, मुझे एवरी मिनट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एवरी मिनट का है यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं एवरी मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। ओके, तो ये मैंडेटरी है, तो यहाँ पे भी हमें सभी को एवरी आवर वगैरह सेट कर देना है। तो यहाँ पे एवरी आवर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एवरी डे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एवरी ईयर सॉरी एवरी मंथ एंड एवरी वीकेंड। फ्रेंड्स ये क्रॉन जॉब सेट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे सेट नहीं करोगे तो जो लॉटरी का रिजल्ट है टाइम पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये क्रॉन जॉब सेट कर दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो आप, क्रॉन जॉब जो है सेट हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये क्रॉन जॉब हमने सेट कर दिया है। अब इसको मैसेज को हाइड कर देंगे क्योंकि अब वर्क करना स्टार्ट हो गया होगा। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो अकाउंट का नोटिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स हम नहीं चाहते कि कोई भी जो लॉटरी बाय करे वो विदाउट अकाउंट क्रिएट करे हमारी वेबसाइट में लॉटरी खरीद ले, क्योंकि मान लो कोई अनोनमसली लॉटरी बाय कर लेता है तो हमें बाद में उसको वेरीफाई करने में इशू होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको सिंपल ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, इसको अनचेक कर देना है। ये जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वो कॉमर्स में सेटिंग्स के अंदर अकाउंट एंड प्राइवेसी में मिल जाएगा। बाकी ये जो बाकी के जो ऑप्शन है आप उसको चेक कर सकते हो, और बस इसको आपको फर्स्ट वाले को अनचेक करके रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो ये तो जो हमें यहाँ पे दो नोटिफिकेशन शो हो रहे थे उनको हमने सॉल्व कर दिया है। तो अभी देखते हैं हम हमारी वेबसाइट किस तरीके से हमें शो हो रही है। तो इस तरीके से हमारी कुछ वेबसाइट शो हो रही है। तो फ्रेंड्स आप चाहो तो खुद भी इसको कस्टमाइज कर सकते हो पूरी तरीके से, या फिर आप डमी कंटेंट इंपोर्ट करके भी अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डमी कंटेंट इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो डमी कंटेंट इंपोर्ट करने के लिए आपको दोबारा से वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे थीम पैनल में ऑप्शन मिलेगा डेमो इंपोर्टर का। तो यहाँ पे मैं डेमो इंपोर्टर पे क्लिक कर देता हूँ। डेमो इंपोर्टर पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ डेमो कंटेंट शो होंगे जिसका आप यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। जैसे अगर आप कोई कपड़े वगैरह का गिव अवे की कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप इस डेमो का इंपोर्ट कर सकते हो। जो लॉटरी है या जो हाउस का गिव अवे कर सकते हो, लोगों को घर का गिव अवे कर रहे हो तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का अगर आप लॉटरी में गिव अवे कर रहे हो, या लॉटरी जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की है तो इस डेमो का इंपोर्ट कर सकते हो आप। इसके अलावा फ्रेंड्स गेम्स के लिए है, ज्वेलरी वगैरह का अगर आप गिव अवे कर रहे हो, लॉटरी वगैरह कर रहे हो तो उसका यूज इस डेमो कंटेंट का यूज कर सकते हो आप। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेमो इंपोर्ट आप कर सकते हो कार वगैरह का अगर आप गिव अवे कर सकते हो, या फिर आप जो ये आपने देखा होगा जो नेशनल लॉटरीज वगैरह होती है उस तरीके का, जो अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो सिर्फ सिंपल लॉटरी की जो वेबसाइट्स होती है उसका ये नेशनल लॉटरी की तरह जो डिज़ाइन अगर आप रखना चाहते हो तो इस तरीके का गिव, तो ये इस डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर सकते हो। या फिर ट्रैवल टिकट के लिए आप इस तरीके का डेमो कंटेंट इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे जो मेन होम है इसको इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें जो कार का जो है अगर कोई विन करता है तो कार जीतेगा। तो इसको मैं यहाँ पे, तो इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इंपोर्ट डेमो का यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और ये डेमो कंटेंट है इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जब आप डेमो कंटेंट इंपोर्ट कर रहे होगे तो कई बार क्या होगा ये जो इंपोर्ट है स्टक हो जाएगा।
तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस पेज को रिफ्रेश करना है और दोबारा से इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। तो जहां तक आपने इम्पोर्ट कर लिया है वो दोबारा से इम्पोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज टाइम फॉर डेमो इम्पोर्ट 3 to 5 minutes, इफ द इम्पोर्ट टेक्स लॉन्गर देन 5 मिनट्स सिंपली रीलोड पेज एंड क्लिक अगेन टू इम्पोर्ट। तो अगर आपका जो इम्पोर्ट डेमो इम्पोर्ट स्टक हो जाता है तो आपको सिंपल पेज को रिफ्रेश करके दोबारा से इम्पोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा इम्पोर्ट करने के लिए, तो अभी के लिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। फ्रेंड्स हमारा डेमो कंटेंट इम्पोर्ट हो गया है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट अब किस तरीके से शो हो रही है। तो यहाँ पे विजिट साइट्स पे क्लिक करेंगे, हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से अब हमें दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉटरी चल रही है इन कार्स की, जो लॉटरी विनर होगा उनको एक कार मिलेगी। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अगर आप कैश मनी में अगर आप कोई अमाउंट सेट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे कार की जगह सेट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको इसके कुछ और पेजेस को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको न्यूज़ पेजेस मिल रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह आप क्रिएट करना चाहते हो या आर्टिकल्स वगैरह अपनी वेबसाइट पे कुछ डालना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आपको कोई नीड नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हो। और यहाँ पे आपको लॉटरी शो होंगी, तो यहाँ पे अलग से सेपरेटली एक लॉटरी पेज क्रिएट किया हुआ है। और उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और विनर बेनिफिट्स पेज क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो इस पूरे पेज को। और इसके अलावा अबाउट अस पेज, इसे भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये सारा डमी कंटेंट है फ्रेंड्स, इसको आपको सिंपली अपने नीड के अकॉर्डिंगली एडिट करना है। कॉन्टैक्ट अस पेज, ये सारे पेजेस आपको अपने नीड के अकॉर्डिंगली एडिट कर लेना है। जैसे यहाँ पे कार है, अगर आप कैश वगैरह डालना चाहते हो, कैश वगैरह देना चाहते हो तो आपको ये कार की इमेज हटा के सिंपली कैश की इमेज ऐड कर देनी है और आपकी लॉटरी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। और इसको फ्रेंड्स इस वेबसाइट को एडिट करना भी बहुत इजी है। आपको सिंपली यहाँ पे एडिट विद WP बेकरी पेज बिल्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो वेबसाइट है वो एडिट मोड में ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे जिसको भी आपको एडिट करना है वहाँ पे आपको क्लिक करके उस पर आप क्लिक करके एडिट कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मान लो मुझे यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है इसको एडिट करना है, तो सिंपल मुझे इस पर क्लिक करना है और ये देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे 1000 प्राइस टेक्स्ट है यहाँ पे ओपन हो गया है। और अगर मैं इसको सिंपल यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, विन लॉटरी यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ और इसको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे विन लॉटरी टेक्स्ट चेंज हो गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप इमेज चेंज करना चाहते हो, सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी इमेज डालना है वो आप डाल सकते हो। जैसे मैं आपको चेंज करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और लाइब्रेरी में जा करके दूसरी कोई इमेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और लेट सपोज मैं इस कार की इमेज डाल देता हूँ, यहाँ पे सेट इमेज डाल कर देंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कार की जो इमेज चेंज हो गई है। बाकी आप अगर कैश वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पे कैश वगैरह की इमेज डाल सकते हो। तो देखो फ्रेंड कितना इजी है इसको एडिट करना। और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ और दोबारा से हम होम पेज को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे जो आपको चेंजेस करने हैं फ्रेंड्स, ये एक्चुअली स्लाइडर है, तो आपको सिंपली इस पर अगर आपको कोई चेंजेस करना होगा तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाना है अपनी वेबसाइट के, और आपको यहाँ पे स्लाइडर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे एक स्लाइडर क्रिएट हुआ होगा, जैसे ये स्लाइडर क्रिएट है यहाँ पे, तो इसको सिंपल यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये स्लाइडर जो हमें होम पेज पे शो हो रहा था वो यहाँ पे दिखने लग गया। अगर मेरे को यहाँ पे नाम, ये जो निशान का है, यहाँ पे आपको अगर कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं, यहाँ पे इमेज वगैरह कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो इजीली। मैं आपको यहाँ पे जैसे ये निशान का है, इसका मैं आपको नाम चेंज करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना ही नाम डाल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको अपना नाम डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्पेस डाल देंगे और इसको सिंपल मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट को ओपन करके। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाला था वो यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इस पूरी वेबसाइट को अपने नीड के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो, इसमें जो चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब लॉटरी सेक्शन पे चले आ जाते हैं। फ्रेंड्स ये लॉटरी वगैरह किस तरीके से क्रिएट करना है आपको, ये इसके लिए मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
तो आप उसको देख सकते हो कि किस तरीके से आप यहाँ पे लॉटरी क्रिएट कर सकते हो। इसमें तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई लॉटरी नंबर चूज करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक डमी कंटेंट है, लेकिन आप किस तरीके से लॉटरी नंबर क्रिएट कर सकते हो उसके लिए पूरी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको सिंपली इसको वॉच करना है। इसमें कुछ इस तरीके से वर्क करेगा कि कोई भी अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कि यहाँ पे $20 का प्राइस है, तो अगर कोई पार्टिसिपेट करेगा तो वो उस लॉटरी तो उसको एक रैंडमली एक नंबर मिल जाएगा। तो मैं आपको इस पे पार्टिसिपेट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं पार्टिसिपेट नाउ फॉर $20 पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कार्ट में ऑप्शन आ गया, यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू चेकआउट। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको डिटेल इतनी सारी फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, क्योंकि देखिए कोई अगर लॉटरी बाय कर रहा है तो यहाँ पे जैसे कंपनी नेम है या फिर एड्रेस वगैरह, इसकी तो कोई खास जरूरत है नहीं, या फिर एडिशनल नोट्स वगैरह है, ये जो अननेसेसरी डाटा है जो आप अपने यूजर से लेना नहीं चाहते, वो आपके यूजर को फिल करना पड़ेगा। तो ये जो फील्ड्स हैं, हमें इनमें से कुछ फील्ड्स को रिमूव कर देंगे, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे आपको जाना है प्लगइन्स में, ऐड प्लग, यहाँ पे आपको सर्च करना है चेकआउट। चेकआउट सर्च करने के बाद फ्रेंड, जो आपको फर्स्ट प्लगइन शो होगा चेकआउट फील्ड एडिटर, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसे एक्टिवेट कर लेंगे। प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पे वूकॉमर्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे चेकआउट फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे चेकआउट फॉर्म के जो जो फील्ड्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे। अब जो हमें नहीं चाहिए उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे बिलिंग कंपनी नेम मुझे जरूरत नहीं है, ना मेरे को यूज़र का एड्रेस लेना है, क्योंकि कोई मुझे प्रोडक्ट को डिलीवर करना नहीं है उसके घर पे, और फ़ोन नंबर की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसको रहने देंगे। और यहाँ पे हम रिमूव पे क्लिक करेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो हमें जो बेसिक नीड थी, ये फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो जो आपको रिक्वायरमेंट है। एडिशनल फील्ड्स पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ आप देख सकते हो जो नोट्स है, तो ये भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर कमेंट्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। तो जो अननेसेसरी फील्ड्स थे वो हमने रिमूव कर दिए हैं। अगर आपको कोई स्पेशल अलग रिक्वायरमेंट हो फील्ड्स की, तो वो भी आप वहाँ से ऐड कर सकते हो। तो अब मैं एक बार इस पेज चेकआउट पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अननेसेसरी फील्ड्स थे वो हट गए हैं। तो यहाँ पे सिंपली फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। ओके, तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है सॉरी इट सीम्स दैट देयर इज नो अवेलेबल पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे हमने अब कोई पेमेंट मेथड भी एक्टिवेट नहीं किया है जिससे लॉटरी बाई की जा सके। तो यहाँ पे आपको सिंपल वूकॉमर्स में जाके सेटिंग्स पे जाना है पेमेंट मेथड इनेबल करने के लिए। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पेमेंट्स पे जाना है और यहाँ पे आप जो भी आपका पेमेंट मेथड है वो आप इनेबल कर सकते हो। अभी तो जो वूकॉमर्स का बाय डिफॉल्ट है कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट, बैंक डायरेक्ट, तो मैं इन तीनों को इनेबल कर देता हूँ। बाकी किसी पेमेंट गेटवे का यूज़ करते हो तो आपको सिंपल उस पेमेंट गेटवे कंपनी का प्लगइन इंस्टॉल करना है, उसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, आपको उसको इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे मैंने जो भी तीन मेथड थे अवेलेबल, मैंने उनको सबको इनेबल कर दिया है। और दोबारा से हम चेकआउट पेज में चलते हैं और यहाँ पे एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पेमेंट करने के तीन ऑप्शन आ गए हैं, बैंक ट्रांसफ़र, चेक पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पे मैं सिंपल अपना नाम डाल देता हूँ अमित, इसके बाद यहाँ पे चेक पेमेंट का ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ऐसे रहने देंगे। यहाँ प्लेस ऑर्डर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा जो है ऑर्डर प्लेस हो गया है। और क्योंकि ये चेक पेमेंट है तो मुझे यहाँ पे मैनुअली इसको अप्रूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाऊँगा मैं वूकॉमर्स के अंदर। तो यहाँ देख सकते हो आप, मैंने अभी ऑर्डर एक प्लेस किया है, इसको मैं सिंपली कंप्लीट कर देता हूँ। तो मैंने अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पे मुझे ऑर्डर नंबर मिल गया है मेरा। और यहाँ पे मैं एक बार अपने माई अकाउंट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं ऑर्डर्स पे जाऊँगा। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये ऑर्डर है, यहाँ पे मैंने एक प्लेस कर दिया लॉटरी का। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आपके यूजर जो है लॉटरी टिकट बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने अभी एक लॉटरी बाय किया है, तो यहाँ पे वन सोल्ड शो हो रहा है, मैं 99 रिमेनिंग, बाकी में किसी में किसी बाय नहीं है। बाकी फ्रेंड्स, जो इस वेबसाइट में प्लगइन का यूज़ हुआ है वो वूकॉमर्स लॉटरी प्लगइन है, मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें शो हो रहा है वूकॉमर्स लॉटरी। इस प्लगइन के ऊपर मैंने एक सेपरेटली वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है,
जिसमें इस प्लगइन की सारी सेटिंग्स के बारे में मैंने बताया है। आपको सिंपली उस वीडियो को वॉच करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप लॉटरी की सेटिंग्स वगैरह के बारे में इजीली समझ पाओगे। इस वीडियो में सिंपली मैं आपको इस थीम के बारे में बता रहा हूँ जिसका यूज़ करके आप अपनी लॉटरी की वेबसाइट कस्टमाइज और डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ तक मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं, और अब मैं आपको कुछ थीम की सेटिंग्स वगैरह के बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम दोबारा से डैशबोर्ड पे जाएंगे, और यहाँ पे जैसे थीम पैनल पे आप क्लिक करोगे तो जनरल सेटिंग्स है। तो जनरल सेटिंग्स में आपको इमेजेस वगैरह इन सब का ऑप्शन मिल जाएगा, साइड बार, बैक बटन, हेडर सेटिंग्स वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको, स्टाइलिंग वगैरह, टाइपोग्राफी, इन सब का, पेज प्रीलोडर सेटिंग्स, ये सारी जो बेसिक सेटिंग्स है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और हेडर सेटिंग्स में आप अपनी वेबसाइट का लोगो वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो, फेविकॉन वगैरह यहाँ से आप चेंज कर पाओगे। तो बेसिकली ये सारी जो सेटिंग्स है वो एक वर्डप्रेस थीम की सेटिंग है। अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हो तो आप ऑलरेडी फैमिलियर हो गए इन सब सेटिंग से। तो देखा फ्रेंड्स कितने इजी तरीके से आप वर्डप्रेस पे लॉटरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने सिंपल थोड़ा ओवरव्यू दिया है इस थीम के बारे में कि आप किस तरीके से लॉटरी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए जब आप इस थीम को बाय करोगे तो आपको इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। ये डॉक्यूमेंटेशन फोल्डर है, यहाँ पे आपको इसकी सभी सेटिंग्स किस तरीके से करनी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आपको अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को जल्द से जल्द सॉल्व कर दूंगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।